नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत रहेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और शांत रहें। दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मैडम पड़ोसी परेशान करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो समझिए वहां रहना आपका सफल है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपका पड़ोसी नीच प्रकृति का है, धोखेबाज है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा है। कई लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, मैडम बाहर निकलते हैं घर से पड़ोसी गालियां देने लग जाता है, पड़ोसी हमारे खिलाफ और भी 3-4 लोगों को इकट्ठा करके बैठा रहता है, जब भी हम निकलते हैं हमारी तरफ देख करके वो लोग अलग अलग इशारे करते हैं, हमारे खिलाफ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमसे लड़े। ये सिर्फ एक जगह नहीं होता है, ये तमाम जगह होता है। यदि आपके अंदर कोई भी चीज अच्छी है, प्रेशियस है, आप दूसरों से थोड़ा हटकर हैं, तो लोग ईर्ष्या और जलनवश आपके विरोधी बनते हैं। कई बार लोग अपनी पेटा कुर्ती के लिए उनका कोई बड़ा स्वार्थ आपको हटा देने से ही सिद्ध हो रहा है तो भी वो लोग ऐसा करते हैं। आप देखना, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ये अपने ही जैसे 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर संयंत्र करते हैं। घर के अंदर भी होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, दुनिया जहां में हर जगह पॉलिटिक्स हर जगह होती है। और सबसे दुखदायी बात तो ये है कि जो बेवकूफ लोग हैं वो इनकी टीम में तब तक शामिल रहते हैं जब तक उन पर खुद पर नहीं गुजरती है, क्योंकि इनकी ऐसे लोगों की जवान बहुत मीठी होती है, किसी के भी खिलाफ किसी को बहुत आसानी से कन्विंस करते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा जिन्होंने कुछ लोगों को घर से निकालने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए, फिर भगवान ने उनको दुनिया से ही निकाल दिया और भूत की तरह एक जीवन दिया कि जितने तुम्हारे साथ थे सब गए, अब तुम जियो, इसी घर में जियो। तो कुदरत के न्याय को कोई नहीं पहुंच पाता है ना। शत्रुओं को लेकर के ज्यादा परेशान ना हो, ये तो होते ही है। जैसे जिंदगी में अच्छे लोग होते हैं ऐसे बुरे भी होते हैं। अच्छे लोगों की संख्या नो डाउट बहुत कम होती है। आपको काचर कुचर गाय भैंस जानवर बाकी सब जीव में फटाफट चारों तरफ दिखाई देते हैं। क्या कोई देवी देवता भगवान आपको जल्दी से दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो प्रेशियस है, वो सबसे अलग है। इतना आसान नहीं होता अच्छे लोगों का मिल जाना और जीवन का अच्छे से बीत जाना। ऐसे लोगों का होना अनिवार्य भी है ताकि आप अपनी शक्तियों को जागृत रखें। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको आप मंगलवार के दिन करें, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और मिलेगी। आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक लाल कनेर का पौधा लगा दें। घर की दक्षिण दिशा में लगा हुआ लाल कलर का पौधा पावरफुल से पावरफुल आदमी को दबा करके रखेगा। दबा करके रखेगा इन दैट सेंस, शत्रु आपका आपके मुंह लगना नहीं चाहेगा। सामने वाले व्यक्ति को कितनी बार पता भी होता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है तो भी उसको अवॉइड करता है। मतलब अच्छे लोग लगाए तो अच्छी बात है, दुष्ट लोग भी अगर इसको लगाते हैं तो भी उनको बेनिफिट होता है, कि मेरा अपना अनुभव है। लाल कलर का पौधा शत्रुओं से रक्षा करता है, बड़े बड़े रोगों से रक्षा करता है। जिसके घर के दक्षिण दिशा में लाल कलर का कनेर का पौधा लगा है, हमेशा हनुमान जी की उसके ऊपर कृपा बरसती है, माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लाल कनेर के फूलों की माला अर्पित करें, या लाल कनेर गिन करके 9 कनेर या फिर 108 कनेर हनुमान जी को अर्पित करें। हाथ में लाल कनेर के फूल ऐसे ले लें और हनुमान चालीसा बोल करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। तमाम प्रकार के शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
हर मंगलवार लाल कनेर के पौधे पर लाल कुमकुम वाला जल अवश्य ही अर्पित करें। ओम अंगारकाय नमः 9 बार बोलकर और ओम दुम दुर्गाय नमः 9 बार बोलकर आप देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू होंगे। मंगलवार के दिन कभी भी इस पौधे की डाली ना तोड़ें। मंगलवार के दिन ही इस पौधे को लाकर के घर में लगाएं। चमत्कार पर चमत्कार करके देखिए। जय श्री कृष्ण।